Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 3rd subject Marigold English. इसमें हमने chapter 7 puppy and I उसमें question कहाँ तक complete किए थे 65 पेज नंबर तक complete किए थे. तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 66 से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके तो क्वेश्चन 9 एंड नाउ लेट स्टार्ट. क्वेश्चन 9, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड ऑफ द कंपैरिजन. तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है किस तरह से कौन सा वर्ड यूज करके आपको एक कंप्लीट ब्लैंक्स करनी है. तो एग्जांपल में आपको बिग, बिगर एंड बिगेस्ट दिया है. तो बिग में लास्ट में लगता है ER और बिगेस्ट में लगता है EST लास्ट में. तो बिग, बिगर एंड बिगेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है हमें पिक्चर देखकर यहाँ पे पहचानते हैं. तो बिग मीन्स सबसे छोटा, तो हम क्या बोलेंगे बिग. इन तीनों में से बिग है छोटा, तो उससे भी बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे बिगर, और इससे भी बड़ा है उसे कहते हैं हम बिगेस्ट. ओके बिग मतलब इन तीनों, ये तीन तो आपको यहाँ पे काइट्स दी है तो हम क्या बोलते हैं सबसे बड़ा होता है उसे कह देते हैं बिग. तो यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन होता होगा कि मैडम यहाँ पे तो एकदम छोटा है फिर भी उसे क्यों बिग बोला जाता है. तो इसे बोला जाता है बिग, और इससे भी बड़ी बड़ी काइट्स दी है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स से उसे बोलते हैं बिगर एंड बिगेस्ट. इसी तरह से हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट दिया है आपको स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं तो एकदम यहाँ पे से एकदम छोटा वाला होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल. क्या बोलेंगे स्मॉल. तो यहाँ पे आएगा स्मॉल, फिर इससे थोड़ा बड़ा स्मॉलर, और इससे और थोड़ा बड़ा आएगा स्मॉलेस्ट. तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, इससे और बड़ा. फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फेट, फेटर एंड फेटेस्ट. तो यहाँ पे एकदम इन तीनों में से फेट है उसे हम कहेंगे फेटेस्ट, इससे थोड़ा कम होंगे उसे बोलेंगे फेटर, और इससे थोड़ा और फेट कम होगा उसे कहेंगे हम फेट. फिर थिन, थिनर एंड थिनेस्ट. तो एकदम पतला होगा वो होगा थिनेस्ट, इससे थोड़ा और पतला होगा थोड़ा बॉडी होगा उसे हम कहेंगे थिनर, एकदम मोटा होगा उसे कहेंगे हम थिन. नेक्स्ट चलो यहाँ पे एकदम लंबा होगा उसे कहेंगे टोलेस्ट, इससे थोड़ा कम टोलर, और इससे भी कम होगा टोल. तो एकदम छोटा होगा उसे हम कहेंगे टोल, इससे थोड़ा बड़ा टोलर, और इससे भी लंबा होगा उसे कहेंगे हम टोलेस्ट. फिर लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. तो एकदम छोटी वाली होंगी उसे बोलेंगे हम लॉन्ग, फिर उससे और थोड़ी लंबी होंगी माला उसे कहेंगे लॉन्गर, और एकदम लंबी होंगी उसे बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट. ओके नेक्स्ट यहाँ पे दिया है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगेस्ट. तो एकदम हल्का फुल्का है उसे हम कहेंगे स्ट्रोंग, इससे थोड़ा वजनदार है वो होगा स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगर, और इससे ज़्यादा होगा वो होगा स्ट्रोंगेस्ट. फिर लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट. तो एकदम क्या होगा तो कि ज़्यादा भारी होगा वो होगा लाइट, इससे भी एकदम कम लाइटर, और इससे एकदम कम लाइटेस्ट. ओके नेक्स्ट देखते हैं हम एकदम हेवी होगा उसे कहेंगे हेवेस्ट, इससे थोड़ा हेवी नहीं होगा हेवर, और इससे भी एकदम हेवी नहीं होगा उसे बोलेंगे हम हेवी. तो हेवी, हेवर, हेवेस्ट. तो ER और EST कहाँ पे यूज़ होता है वो हमने यहाँ पे आज देखा है. फिर है स्लो, स्लोवर एंड स्लोवेट. तो चलो स्लो हम किसे बोलेंगे, तो एकदम स्लो चलता है उसे कहेंगे हम स्लो, फिर थोड़ा उससे थोड़ा तेज़ चलता है उसे बोलेंगे हम स्लोअर, इससे भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है वो होगा स्कूटर इज स्लोवेस्ट. फिर है फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट. तो फास्ट हम कहेंगे जो धीरे धीरे चलता है वो होगा फास्ट, और इससे भी तेज़ चलता है कार, और इससे भी तेज़ होता है फास्टेस्ट मीन्स तेज़, बड़े तेज़
फटाफट से जो चलता है वो होता है फास्टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो इन द एग्जांपल क्लीन, आपको एक एग्जांपल दिया है क्लीन, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लीन, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट किस तरह से लिखेंगे। क्योंकि माय रूम इज क्लीन, योर रूम इज क्लीनर देन माय रूम। मेरी जो मेरा रूम है इस तरह से आपका भी रूम होना चाहिए। दे टीनाज रूम इज द क्लीनेस्ट, टीना का रूम है वो हमारे से भी ज़्यादा क्लीन है। फिर दिया है सॉर्ट, तो सॉर्ट का आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, तो कि माय पेंसिल इज सॉर्ट, योर पेंसिल इज सॉर्टर देन माय पेंसिल। आपकी पेंसिल है उससे मेरी पेंसिल थोड़ी बड़ी है। केतन पेंसिल इज द सॉर्टेस्ट, केतन की पेंसिल है वो हमारे से भी बड़ी है, हम दोनों के बीच से भी लंबी है। न्यू, तो न्यू का किस तरह से होगा, मनुज बाइसिकल इज न्यू, मनु की बाइसिकल क्या है, नई है। नितिन्स बाइसिकल इज न्यूअर देन मनुज बाइसिकल, मनुज की बाइसिकल है उससे भी न्यू, मतलब मनु ने पहले ली होंगी, फिर उसके बाद किसने ली होंगी, नितिन ने, तो अब वो न्यू हो गई ना, मनु ने तो पहले ली थी तो अब तो उसने वो थोड़ी थोड़ी यूज भी कर ली होंगी, तो वो क्या कहता है, नितिन बाइसिकल इज न्यूअर देन मनुज बाइसिकल, मनु के बाइक की बाइसिकल है उससे नितिन की बाइसिकल न्यू है। तो पहले मनु ने ली फिर नितिन ने ली, तो न्यू कौन सी बाइसिकल हो गई, नितिन की। फिर केतुल्स बाइसिकल इज द न्यूएस्ट, फिर केतुल ने बाइसिकल ली वो इन दोनों से भी न्यू हो गई, पहले उसने ली थी फिर उसने ली, तो न्यू कौन सी हो गई, ये हो गई, तो उसे हम बोलेंगे न्यूएस्ट। फिर ओल्ड, तो कांजीबाई इज एन ओल्ड मैन, कांजीबाई है वो बूढ़े आदमी है। देवजी भाई इज ओल्डर देन कांजीबाई, फिर कांजीबाई है उससे भी बूढ़े कौन है, देवजी भाई। एंड मनुभाई इज द ओल्डेस्ट, फिर इन दोनों से भी बूढ़े एकदम कौन है, तो के मनुभाई। तो मीन्स वॉट कि आपकी एज या मैं कांजीबाई की एज होंगी 59, तो उससे भी बूढ़े होंगे, तो उसकी एज तो ऑब्वियस है कि थोड़ी ज़्यादा ही होगी देवजी भाई की, तो देवजी भाई की है 65 और कांजी भाई की हमने देखी थी 59, तो 59 एंड 69 से भी ज़्यादा उम्र वाले हैं मनु भाई, तो वो क्या हो गए ओल्डेस्ट। उसकी एज क्या होंगी, तो कि उसकी एज होती है 17 अप। यंग, चलो यंग में क्या है, मोहन इज यंग, मतलब मोहन जवान है, मतलब 15-16 ईयर का। फिर सोहम इज यंगर देन मोहन, सोहन है वो उससे भी यंगर है, मीन्स वट, तो उसकी एज होंगी 17 इज नहीं। फिर रोहन इज द यंगेस्ट, रोहन है वो उससे भी यंगेस्ट है, मीन्स वट, उसकी एज होंगी 15-14। वीक, रामजी इज अ वीक, वीक मतलब एकदम वीक मैन, मतलब वो एकदम कैसा है, एकदम आलस, कुछ काम नहीं कर सकते, बीमार है, एकदम वीक है। तो श्याम जी इज अ वीकर देन राम जी, राम जी है उससे भी वीक कौन है, तो कि श्याम जी, वो तो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। एंड कांजी इज द वीकेस्ट मैन, और वो कांजी है वो तो एकदम वीकेस्ट है, वो तो कुछ हाथ में भी नहीं पकड़ सकता, इतना वीक है, एकदम हल्का है। कॉस्टली, दिस बुक इज कॉस्टली, एक बुक की प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट उसकी क्या है। दैट बुक इज कॉस्टली देन दिस बुक, फिर दूसरी बुक ली हमने तो उसकी प्राइस तो जो पहले बुक थी उससे भी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कॉस्टली ईयर। फिर द डिक्शनरी इज द कॉस्टली ईयर्स, फिर हमने डिक्शनरी खरीदी उसकी तो इससे भी ज़्यादा प्राइस है, कॉस्टली ईयर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चिप, दिस पेन इज चिप, दिस पेन इज चिप, मतलब उसकी पेन की जो साइन है वो एकदम चिपकी है। दैट पेन इज द चीपर देन दिस पेन, फिर दूसरी पेन ली उसकी चीपर तो इससे भी ज़्यादा है। द ब्लू पेन इज द कॉस्टलीएस्ट, फिर ब्लू पेन ली उसका हो जाएगा यहाँ पे कॉस्टलीएस्ट, ओके चीपेस्ट आएगा, लेना होगा चीपेस्ट। फिर दूसरी ब्लू पेन थी वो तो एकदम साइन वाली है, एकदम ब्लू जेल होती है ना साइन, वो आपके उंगली में भी चिपक जाती है इस तरह की, वो तो एकदम चिपेस्ट है। फिर है एट्थ, डर्टी, योर क्लासरूम इज डर्टी, तो हमारा क्लासरूम है थोड़ा गंदा है। नितिन्स क्लासरूम इज
डर्टी डर्टियर देन योर क्लासरूम। फिर वो क्या कहते हैं पहला वाला कि हमारा क्लासरूम से भी एकदम गंदा है नितिन का क्लासरूम डर्टी देन। फिर जितिन क्लासरूम इज द डर्टीएस्ट। फिर वो जितिन है उसका तो हम दोनों से भी एकदम डर्टीएस्ट, एकदम खराब से खराब है, तो उसका हो जाता है डर्टीएस्ट। फिर है हॉट, सूरत इज अ हॉट सिटी। सूरत है वो एकदम कैसा गर्म सिटी है, मतलब यहाँ पे ठंडी कम और गर्मी ज़्यादा लगती है। अहमदाबाद इज़ अ हॉटर देन। फिर अहमदाबाद है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत सूरत से भी ज़्यादा गर्मी है, सूरत से भी ज़्यादा। फिर राजकोट इज़ द हॉटेस्ट सिटी। राजकोट है वो इन दोनों से भी ज़्यादा गर्मी वाली सिटी है। कोल्ड, मंडे वॉज अ कोल्ड डे। मंडे है वो एकदम ठंडा, मंडे के दिन बहुत ठंडी थी। फिर ट्यूसडे वॉज द कोल्डर देन मंडे। फिर मंडे से भी ज़्यादा ट्यूसडे को ठंडी थी। टुडे इज द कोल्डेस्ट डे। आज तो इससे भी ज़्यादा ठंडी है, हम बोलते हैं ना कल थोड़ी ठंडी कम थी, आज थोड़ी ज़्यादा है, तो हो जाता है कोल्ड का कोल्डर। और हम क्या बोलेंगे परसों, मतलब कल जो दिन होगा फिर हम क्या बोलेंगे, तो आज तो इन दोनों दिनों से भी ज़्यादा ठंडी है, तो उसका हो जाता है टुडे इज द कोल्डेस्ट डे। फिर हैप्पी, टीना इज़ अ हैप्पी। टीना है वो खुश है। रीता इज़ अ हैप्पियर देन टीना। फिर टीना के टीना है उससे भी ज़्यादा हैप्पी है रीता। फिर इन दोनों से ज़्यादा है हैप्पीएस्ट मीना। मीना इज़ द हैप्पीएस्ट गर्ल। वो एकदम खुशी खुशी ही रहती है, अपने चेहरे पर खुशी होती है। सैड, उदास। मुकुल इज़ सैड। मुकुल है वो एकदम उदास है। समन इज द सेडर देन मुकुल। मुकुल से भी ज़्यादा उदास कौन है, तो के सुमन। फिर हरेश इज द सेडेस्ट बॉय। फिर हरेश है वो इन दोनों से भी ज़्यादा उदास है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने क्वेश्चन बनाए। तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 8 से वर्कबुक में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।